हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोनी वर्मा। तो दोस्तों, ये डहलिया में देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और तीन चार कलर के फ्लावर्स खिले हैं। ये देखिए, ये येलो में है, ये क्रीमिश वाइट में है, और ये डार्क पिंक में है, ये ऑरेंज और पिंक में है, और ये देखिए ये भी क्रीमिश वाइट में है। और दोस्तों, ये देखिए एस्टर में कितने सारे फूल खिल गए हैं। और ये देखिए हमारा पोर्चुला का, इसमें भी फ्लावर निकल आया है। ये देखिए यहाँ पर भी विंका में देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स निकल आए हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी और जो हार्ड प्रूनिंग किया था फरवरी महीने में, और रूट प्रूनिंग किया था, और खाद पानी जो भी सॉइल में मिक्स करके दिया था, तो उसका क्या रिज़ल्ट आया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अपने फूलों के राजा जो हैं गुलाब, उनसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें खूब सारी कलियां भी आ चुकी हैं और आने के बाद कितने फ्लावर्स भी खिल चुके हैं। और ये देखिए, इसमें अभी भी खूब सारी कलियां आ रही हैं। ये देखिए, तो ये हमारा गुलाब हो गया और ये मदर प्लांट है, इससे मैंने अनेकों कटिंग तैयार की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें देखिए कितनी खूब भर भर के कली आई है। एक ब्रांच में एक दो तीन चार पांच कलियाँ आई हैं। देखिए ये देखिए, और इसमें हम लोग ने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र डाला था 15 दिन पहले। और ये भी मेरा गुलाब का है, इसे भी मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें भी नई नई लीव्स शुरू हो गई है। ये देखिए, ये देखिए एम्ब्रेलस लिली जो है, अब इसको भी मैंने रिपोर्ट किया था फरवरी मंथ में, और इसमें भी देखिए ये कली आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, और ये हमारी डबल चांदनी है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी क्योंकि रूट्स इसकी ज़्यादा फैली नहीं थी, और हल्की सी गुड़ाई करके उसमें कंपोस्ट और सब मिक्सचर मैंने मिला के डाल दिया था। और ये देखिए कितनी अच्छी इसमें भी कलियां आनी शुरू हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। गुड़हल की जितनी भी मैंने रिपोर्टिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, तो ये देखिए नए नए लीव्स भी आने शुरू हो गए हैं। और इसमें देखिए एक बढ़िया सा सुंदर सा फूल भी निकल आया है, और इसमें भी देखिए छोटे छोटे फुटाव होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसकी मैंने हार्ड रूट प्रूनिंग की थी और हार्ड प्रूनिंग की थी। और ये देखिए, मोगरे में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, और ये देखिए इसकी भी लीव्स निकल आई है खूब अच्छे से। और ये हमारा कटिंग से लगाया गुलाब, जो मैंने पन्नी पॉली बैग में लगाया था, रिपोर्ट किया था पॉली बैग में, तो इसमें भी देखिए कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पारिजात हर सिंगार का प्लांट है, और इसमें भी फुटाव शुरू हो गए हैं और न्यू लीव्स निकलनी स्टार्ट हो गई है। और इसे भी मैंने हार्ड प्रूनिंग किया था, अगर आपको पता ना हो तो मैं इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी, मेरे चैनल पे है इसका पूरा। और ये देखिए मधुकामनी, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, और देखिए इसमें भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और देखिए मीठी नीम की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी दोस्तों, और इसमें भी देखिए भर भर के फ्लावर आ रहे हैं, और ये फ्लावर्स मुझे हटाना है क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सिंगल पैटर्न मोगरा है, और इसमें भी देखिए छोटी छोटी सी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। ये हमारा क्रिसमस ट्री है, और इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग की थी, और ये भी देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। और ये है हमारा डबल पैटर्न मोगरे का प्लांट, और इसमें भी देखिए न्यू लीव स्टार्ट हो गई है, और कली भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। ये सेंटर में ये देखिए छोटी सी है, और ये है हमारी रात रानी, और इसमें भी देखिए अब लीव्स आनी शुरू हो गई है, अब कुछ दिनों में फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हमारा मल्टी कलर जिसको मैंने ग्राफ्टेड किया था, वो वाला गुड़हल है, पहले मैंने इधर ऊपर रखा था, अब इसको नीचे रख दिया है, और जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, हम लोग ने जो शिमला मिर्च का प्लांट मैंने जो लगाया था नर्सरी से लाके, और उसमें भी देखिए फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब स्टार्ट हो गई है। और ये हमारा बैंगन का प्लांट है, जिसे एक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें भी खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। और ये मेरा शीट से लगाया हुआ चेरी टमेटो है, और इसमें भी देखिए कितने सारे टमेटोस लगे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा रेड कलर का टिकोमा है,
और इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, लेकिन रूट्स की हार्ड प्रूनिंग की थी, मतलब रूट्स को पूरा निकाल के कट किया था फिर इसे लगाया था। और देखिए इसमें भी खूब सुंदर सुंदर फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, खूब सारे मतलब कलियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर। देखिए हर एक ब्रांच पे जो है इस तरह कलियाँ भर भर के आई हुई हैं। दोस्तों ये क्रीम कलर का जो है ये चंपा है मेरा, और इसमें भी देखिए कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए इसमें भी कली आई है और ये वाले ब्रांच में भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो ये मैं पहली फ्लावरिंग देखूंगी, जब से मैंने कटिंग से लगाया है तब से इसकी पहली फ्लावरिंग है। और ये देखिए दोस्तों हमारा बोगनविलिया, जिसको मैंने हार्ड प्रूनिंग भी किया था और इसकी रूट प्रूनिंग भी किया था। तो ये देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं, और इसमें देखिए येलो कलर के फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और ये पिंक वाला है, ये रेड एंड पिंक में है, और ये देखिए ये बंच में जो वाइट एंड पिंक में होता है वो है, और ये बंच में जो पिंक कलर में छोटे छोटे निकलते हैं वो वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये बंच में निकलता है दोस्तों, ये देखिए ये बंच में खूब निकलेगा और खूब रेड कलर में होगा, सुर्ख लाल में। और ये हमारा वाइट वाला बोगनविलिया। दोस्तों ये गोरी चोरी का प्लांट है हमारा, येलो बेल जिसे कहते हैं, और इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है और खूब भर भर के फ्लावर आए हैं, मतलब कलियाँ आई हुई हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और रूट प्रूनिंग की थी, और मेरी सारी हार्ड प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग जिस प्लांट की मैंने किया था वो सब मेरे चैनल पे है, और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा ओलियंडर का प्लांट है और लाइट पिंक कलर के फूल आते हैं इसमें, और इसमें भी देखिए खूब भर भर के कलियाँ आई हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये फायर बुश है, फायर बुश की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, रूट प्रूनिंग की थी, और देखिए इसमें भी न्यू ब्रांचें निकलनी स्टार्ट हो गई है। अब इन सबको दिए हुए मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए हुए 15 दिन हो चुके हैं, और अब की बार फिर से मुझे जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका देना है। और ये मेरा झुमका बेल है जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं, और इसमें भी देखिए कितनी बढ़िया लीव्स निकल आई हैं। अब और कड़ाके की जब धूप होगी तब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग आएगी। तो दोस्तों जितनी अब मैंने कटिंग से जितने भी प्लांट्स लगाए हैं वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगी कि कटिंग से कैसे लगाया मैंने और किस तरह से वो सक्सेस हो गई है। और इसकी भी देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, इसे पीकॉक फ्लावर कहते हैं। इसमें बहुत सुंदर रंग के रेड और येलो कलर के पीकॉक फ्लावर, आपने देखा होगा रोड साइड होता है इसका बहुत बड़ा प्लांट, मतलब पेड़ होता है, और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स निकलते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और जिस प्लांट की मैंने हार्ड प्रूनिंग रूट प्रूनिंग की थी अगर कोई देखना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका लिंक भेज दूंगी आपको। और अभी भी टाइम है क्योंकि आप अभी भी जो है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, और जो है इसके बाद जो है अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, इसीलिए जो है जितना जल्दी हो सके आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग रूट प्रूनिंग करके उसे शेडी एरिया में रख दें, क्योंकि अभी से ये देखिए इनका फुटाव शुरू हो गया है और नई नई कलियाँ आनी शुरू हो गई है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारा लेमन का प्लांट है और इसमें देखिए फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए छोटू सा यहाँ पे है, ये दो तीन चार ये पाँच